नमस्ते दोस्तों। सनातन धर्म में मंत्रों को हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, पर आखिर मंत्र हैं क्या, उनका ओरिजिन क्या है और वो हमारी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। मेरा नाम है आभा रांटा और आज हम इसी बात पे कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज्ञानेश्वर मिश्रा जी, जो MD इन मेडिसिन है, कंसल्टेंट है शताब्दी हॉस्पिटल शांति कुंज में और देव संस्कृति विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर है। सो हेलो सर। सर, मंत्रों की बात करें तो अगर आपको एक मेरे जैसे आम आदमी को मंत्र के बारे में समझाना है तो आप एक सरल भाषा में कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, शास्त्र कहता है मननात त्रायते इति मंत्र। मंत्र वो है जिसका मनन और चिंतन करने से एक व्यक्ति के अंदर शक्तियों का जागरण हो, वह मुक्त हो, उसके अंदर शक्ति संवर्धन हो, इसको मंत्र कहते हैं। लेकिन अगर मंत्र को व्यापक रूप में उसको समझना है, गहराइयों तक अगर हम गहराइयों से उसको समझना चाहते हैं, तो हमें पहले मंत्र ये समझना पड़ेगा कि मंत्र आए कहाँ से। एक आम धारणा है कि मंत्र किसी ने बनाया या किसी ने रचना की या किसी ने लिखा, तो ऐसी बात नहीं है। जितने भी मंत्र हैं जो जिनको हम वास्तव में मंत्र कहते हैं, मंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो वैदिक हैं और एक लौकिक हैं। लौकिक वो हैं जो कि किसी सिद्ध पुरुष ने, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति ने उसकी रचना। लेकिन जो वास्तविक मंत्र हैं, जिनका सबसे ज्यादा प्रभाव है, उनको वैदिक मंत्र। तो जितना वो जो मंत्र आए हैं वो वेद से आए हैं और वेद में कुल 20,416 मंत्र हैं। कुल चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को मिलाएं अगर तो हम 20,416 मंत्र आते हैं और इनको 21 छंदों में विभक्त किया गया है। तो ये तो जो आज हमारे पास माने जो लिखे हुए हैं, लेकिन अगर वास्तव में हम ये समझ, फिर लोग ये समझने लगते हैं कि अच्छा वेद को किसने लिखा है, तो यानी कि मंत्र की रचना उस व्यक्ति ने की होगी जिसने वेद को लिखा है। नहीं, वेद तो अपौरुषेय कहे जाते हैं। अपौरुषेय माने कि इसको किसी व्यक्ति ने इसकी रचना नहीं की है। ये तो जो ऋषि महात्मा सप्तऋषि जो होते हैं या ऋषि जो होते हैं, वह इनको अपने गहरे समाधि में जाकर इस निखिल ब्रह्मांड के अंतरिक्ष से उसे ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद से उसको फिर जो है अपने शिष्यों में और समाज में उसको प्रचारित प्रसारित करता है, जिससे कि उसके ज्ञान से लोगों को लाभ मिल सके। अब फिर प्रश्न ये होता है कि साहब, ये वेद में यानी कि वेद में मंत्र है, ऋषियों ने इसकी खोज की है, ऋषियों ने इसको जाना है? नहीं। और अगर गहराई से अगर हम इसको जानेंगे, मंत्र आए कहाँ से, मंत्र हैं क्या, तो हमें सृष्टि की उत्पत्ति के विज्ञान को जानना पड़ेगा। ये जानेंगे, जब हम ये जानेंगे कि सृष्टि आई कहां से, तो समझ में आएगा। अब सृष्टि आई कहां से, इसमें विभिन्न मत है। एक वैज्ञानिक मत है और एक वैदिक मत है और अन्यान्य धार्मिक ग्रंथों के भी अपने अपने मत हैं। तो अगर हम पहले हम वैज्ञानिक मत की बात करें, तो आजकल जो सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेबल है, जो चर्चा में है, उसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि प्रारंभ में तभी सृष्टि, ब्रह्मांड दिख रहा है, गैलेक्सीज दिख रही हैं, इतनी निहारिकाएं, आकाश गंगाएं, गैलेक्सीज दिख रही हैं, ये सब कुछ कन्फाइंड था, एक प्लेस पे था। तो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि इनिशियल स्टेज में ब्रह्मांड एक जगह पे संगठित रूप में था, जिसके अंदर इनफाइनाइट मास था, इनफाइनाइट एनर्जी थी, बट वॉल्यूम जीरो था। बिग बैंग थ्योरी ये कहती है। और वास्तविकता देखी जाए तो बिग बैंग थ्योरी भी सभी वैज्ञानिकों के मत से यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेबल नहीं है। ये कुछ एक ग्रुप है वैज्ञानिकों का जो इसे मानता है कि हाँ, बिग बैंग थ्योरी सही थ्योरी है। बहुत से ऐसे वैज्ञानिक इसे सहमत नहीं होते। प्रश्न उठता है, फिर सहमत क्यों नहीं होते हैं? इसे नहीं होते क्योंकि जिसके अंदर मास है, जिसके अंदर एनर्जी है, उसका एक वॉल्यूम तो होगा ही होगा, वो के स्थान तो घेरेगी ही घेरेगी। और बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि नहीं साहब, इसका वॉल्यूम जीरो होगा। तो इसलिए बिग बैंग थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर प्रश्न उठता है कि फिर एक्सेप्टेबल क्या है? सृष्टि आई कहां से, ये संसारी ब्रह्मांड बना कहां से? तो उसमें जो वैदिक थ्योरी है वो बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक है,
और वेद वेद की एक ब्रांच है शब्दद्वैतवाद है। उस शब्दद्वैतवाद के अनुसार यह समस्त सृष्टि शब्द से उत्पत्ति हुई है, एक नाद से, एक ध्वनि से उत्पत्ति उसकी हुई है, वेद कहता है। इसी बात को बाइबल भी कहता है, इन द बिगनिंग वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड वॉज विथ गॉड एंड गॉड वॉज वर्ल्ड। बाइबल भी इस बात को मानता है, इसी बात को कुरान भी कहता है कि ध्वनि से ही ये ब्रह्मांड ये संसार पैदा हुआ है, साउंड से, साउंड से, यस, ये साउंड से। तो अब फिर ये बात आती है कि फिर साउंड है क्या, किस तरह का साउंड है, क्या ये साउंड जो हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जो दो ऑब्जेक्ट्स के कोलिजन से, टकराव से साउंड पैदा होती है, क्या उस साउंड से? तो नहीं, इसके और गहराई में जाएंगे तो दो तरह की रियलिटी है इस पूरे ब्रह्मांड की, कॉन्शियसनेस है, एक मैटेरियल वर्ल्ड है, कॉन्शियस वर्ल्ड एंड द मैटेरियल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड एंड द कॉन्शियसनेस वर्ल्ड, कॉन्शियसनेस रियल एंड द फिजिकल रियल। तो ये जो जिसके अंदर चेतना थी, जिस जो जो ध्वनि, यह जो शब्द, यह जो वाइब्रेशन, ये तो नाद जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, वो चेतना में थी। इसीलिए इस ध्वनि को हम अनाहत कहते हैं, अनाहत। अगर आप कॉन्शियस वर्ल्ड पे और इलैबोरेट करेंगे, जैसे मान लो कोई इंसान है जो इस बारे में नहीं जानता, मटेरियल वर्ल्ड हम सबको पता है, जो हमें चारों ओर दिखाई दे रहा है वो मटेरियल वर्ल्ड है, बट कॉन्शियस वर्ल्ड क्या है? देखिए, हमारे आप हम उदाहरण अगर अपना अपने से शुरू करें तो हमारे शरीर में ही दो रियलिटी है, एक है चेतना, कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं, जो जिसको हम आत्मा कहते हैं, सोल, सोल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, और दूसरा है भौतिक शरीर, जो हाड़ मांस के, त्वचा और ब्लड है, ये भौतिक शरीर। तो इस भौतिक शरीर में जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, जब वो रहती है तभी ये भौतिक शरीर किसी क्रियाकलाप या थिंकिंग या कुछ भी क्रिया, मेंटल हो या फिजिकल हो, करने में वो कैपेबल होता है। यदि कॉन्शियसनेस निकल जाती है, आत्मा सोल निकल जाती है, तो यही शरीर जिसको हम लेके बैठे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं, इसके लिए इतना केयर करते हैं, इसकी साफ सफाई, भोजन आदि का प्रबंध करते हैं, ये डीके होने लगती, बदबू करने लगती है। तो इस शरीर को चलाने के लिए कॉन्शियसनेस काम कर रही है। उसी तरीके से केवल कॉन्शियसनेस यही नहीं है, कॉन्शियसनेस हर जगह है, हर हर कण कण में व्याप्त है वो कॉन्शियसनेस, जो चला रही है, जिसके कारण यह भौतिक जगत, यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है। तो उसको हम चेतना कहते हैं। चेतना के कुछ गुण हैं, बहुत सारे गुण हैं, लेकिन अगर उसको हम डिफाइन करें तो उसको कहते हैं सत्य चित्त और आनंद, सत्य कॉन्स्टेंट शाश्वत, चैतन्यता है उसमें, हलचल है, और आनंद स्वरूप है, आनंद चाहता है, आनंद है। तो ये है जिसके कारण चेतना। तो ये जो 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 जैसे आपने पूछा कि चेतना क्या है, उसका एक छोटा सा डेफिनेशन यही होगा, परिचय यही होगा। अब जहां जो बात आती है मंत्र की, वैदिक मंत्रों की, छंद है, तो वो कॉन्शियसनेस में, पहले कॉन्शियसनेस रियलिटी में है। इवोल्यूशन, जब ब्रह्मांड का निर्माण होता है तो वेद के अनुसार ईश्वर प्रकृति मिलते हैं, फिर काल तत्व सक्रिय होता है, उससे फिर परा ओम तो जन्म लेता है, जैसे आपने बोला ईश्वर और प्रकृति, प्रकृति मिलते हैं। जी जी। तो ईश्वर क्या है, मतलब हम किस चीज को ईश्वर कहेंगे, भगवान या फिर जिनसे? बहुत सारे इसके डिफिनेशन है, बट फिर भी अगर हम बात करें तो ईश्वर वो है जो कि समस्त ब्रह्मांड को धारण किए हुए है, जन्म धारण और प्रलय सब ईश्वर ही करता है, उसी कारण सब कुछ अस्तित्व में आया है। और जैसा हमने बताया कि आत्मा का गुण है सच्चित आनंद, उसका भी वही गुण है सत्य चित्त आनंद, वो भी सत्य है, शाश्वत है। यह ब्रह्मांड रहे न रहे, धरती रहे न रहे, गैलेक्सी रहे न रहे, वो हमेशा रहेगा। चैतन्यता है उसके अंदर, हलचल है, और आनंद स्वरूप है ये परमात्मा, आनंद स्वरूप है। तो इसीलिए उसकी बनाई हुई सृष्टि में हर जगह आनंद है। अगर कहीं आनंद नहीं है या कहीं दुख तकलीफ है, तो इसलिए है कि हम उसको नहीं समझ पा रहे जो परमात्मा है, जो चेतना है। तो इस समस्त सृष्टि का जन्मदाता, उसका पोषण करने वाला और उसको फिर विनाश करने वाला, यह ईश्वर है, जो हर जगह व्याप्त है, हर कण कण में व्याप्त है। इसके इसके व्यापक स्वरूप है वो, महतो महतियान, बहुत सबसे ज्यादा बड़ा है वो, सबसे विहद रूप है उसका, और लघु से लघु है। तो मतलब पूरी सृष्टि में ही ईश्वर है, लाइक बिल्कुल ईश्वर जी, जी, है एक तरह से, जी, आप जैसे कह रहे हैं जी, जी, हर जगह व्याप्त। तो जैसे आप वैदिक फिलोसफी में बता रहे थे कि वैदिक फिलोसफी के अकॉर्डिंगली वर्ल्ड कैसे बना, यस एग्जैक्टली। तो अब जैसे ईश्वर और प्रकृति जो मिलते हैं,
तो उस समय से फिर काल तत्व सक्रिय होता है, तब तक काल नहीं होता है, टाइम नहीं होता है, फिर टाइम सक्रिय होता है, फिर उन मिलने से जो पहली जो वाइब्रेशन निकलती है उसको हम कहते हैं पराओम। पराओम से फिर आगे और अन्य अन्य तत्वों का निर्माण होता है, उसमें तत्व है, महत है, अहंकार है, मन तत्व बनते हैं कॉस्मिक कॉन्सेप्ट में। फिर इसके आगे चलकर जो बनता है वो छंद, छंद बनता है। तो छंद ही जो मूल छंद है, मूल छंद को ही हम जो मंत्र कहते हैं, वैदिक मंत्र कहते हैं। जैसे जो वेद है, वेद में लगभग 20,416 मंत्र हैं, और 20,416 मंत्र को 21 प्रकार के छंदों में विभक्त किया गया है। अब इन छंदों से, इन मूल छंदों से फिर आगे के तत्व बनते हैं, प्राण तत्व बनता है, प्राण तत्व से फिर अंतरिक्ष तत्व बनता है, स्पेस बनता है, स्पेस से फिर वायु तत्व बनता है, वायु तत्व से फिर अग्नि बनता है, अग्नि से फिर जल और फिर पृथ्वी तत्व बनती है। तो इस सृष्टि, क्रमिक सृष्टि के निर्माण को जब हम देखते हैं तो वैदिक फिलोसफी, वैदिक साइंस के अनुसार अभी क्वांटा नहीं बना है, अभी एटम के जो बेसिक, जो बेसिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो भी नहीं बनते हैं, उससे पहले वैदिक मंत्र बनते हैं, छंद बनते हैं। ओके। और इन छंदों के माध्यम से प्राण तत्व, और प्राण तत्व के माध्यम से अग्निकण, जिसको हम क्वांटा कहते हैं, फिर उसके बाद से एटम बनते हैं, एटम के बाद फिर मॉलिक्यूल बनते हैं, उन मॉलिक्यूल को पृथ्वी कण बनते हैं, वो कहते हैं। इन पृथ्वी कण के बनने के बाद से फिर ग्रह नक्षत्र बनते हैं, फिर तारे बनते हैं उन स्टार्स पे, फिर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और फिर गैलेक्सीज, ये सब चीजें निर्माण होती हैं। तो ये बताने का पीछे का जो अभिप्राय ये है कि मंत्र इनिशियल स्टेज में बनते हैं। अभी ब्रह्मांड एग्जिस्टेंस में अभी तो ईथर एलिमेंट भी नहीं आया है, तब छंद बनते हैं, और वो छंद फिर बनाते हैं समस्त ब्रह्मांड के पहले कणों को, और फिर आगे चल के ब्रह्मांड के सभी चीजों को। तो सृष्टि के निर्माण में, इस ब्रह्मांड के निर्माण में छंदों की बड़ी महती भूमिका है, मंत्रों की बड़ी महती भूमिका है, और इनफैक्ट ये मंत्र ही हैं जो कि हर चीज का निर्माण करते हैं, वो चाहे क्वांटा हो, वो चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे कुछ भी हो। वाइब्रेशंस कह सकते हैं, वाइब्रेशन, साउंड, साउंड वाइब्रेशन। साउंड वाइब्रेशन बहुत ही स्थूल उसका एक एनालॉजी होगा, मतलब अगर हम बेसिक लैंग्वेज में समझाना चाहें। यस, इट इज द वाइब्रेशन। देखिए क्वांटम फिजिक्स के अनुसार तीन चीजें हैं, हीट है, लाइट है, एंड द साउंड है। और जब वैज्ञानिकों ने ढूंढना चाहा कि वैसे प्रिमोर्डियल क्या है, लाइट है या हीट है या साउंड है, तो क्वांटम फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने पाया कि नो, द साउंड इज द प्रिमोर्डियल, एंड दे हैव केम टू द कंक्लूजन दैट द होल वर्ल्ड इज द नथिंग बट द मैनिफेस्टेशन ऑफ द साउंड। ओके। बट दैट साउंड इज नॉट इन द फिजिकल रियल बट इन द कॉन्शियस रियल, कॉन्शियसनेस में। तो वो एक, उसका स्थूल रूप, मंत्र का स्थूल रूप है ध्वनि, पर उसका सूक्ष्म रूप कॉन्शियसनेस लेवल पे है, प्राण स्तर पे है। तो जो जितने भी ऋषि थे हमारे, जिन्होंने इन मंत्रों को लिखा या फिर कैच किया यूनिवर्स में, तो उसके पीछे उनका एम क्या था, लाइक उन्होंने क्यों ये मंत्र एस्टैब्लिश करे, और एक इंसान इन मंत्रों को बार बार पढ़ने से मतलब अपनी लाइफ में क्या अचीव कर सकता है, या What is the significance of these mantra? बहुत 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 अच्छा प्रश्न है आपका। सृष्टि का जब निर्माण होता है तो पहले जब ये सब बन जाता है, अब जब जीव जंतुओं का निर्माण होता है, सभी प्राणी प्राणियों का निर्माण होता है, तो सबसे पहले ये ऋषि आते हैं, सप्तऋषि जिन्हें हम कहते हैं। सो सप्तऋषि कौन है, मतलब आर दे ह्यूमंस ओनली जिन्होंने बहुत ज्यादा तप किया और कुछ चीजें मतलब कुछ पावर्स हासिल की, जैसे कह सकते हैं सिद्धियां हासिल की? जी जी जी। तो मतलब अगर आप उसको इलैबोरेट करें। वो देखिए, ऋषि ऋषि जो होते हैं इस पूरे ब्रह्मांड के इवोल्यूशन में, देवताओं से पहले ऋषियों का निर्माण होता है, पहले ऋषि आते हैं, ऋषियों के बाद फिर देवताओं का स्तर आता है। तो ये ऋषि क्या है, ये ब्रह्मांडीय शक्तियों को का नियोजन, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, का क्रिएशन, इसमें उनकी महती भूमिका होती है। और जब क्रिएशन, जब धरती पर या जब जीव का निर्माण होने लगता है, उसे मनुष्य भी आते हैं, तो मनुष्य चूंकि इस समस्त एनिमल किंगडम में सबसे सुप्रीम है, ईश्वर के बाद से अगर कोई सामर्थ्यवान है तो वो मनुष्य। मनुष्य तो अब मनुष्यों को क्या पर्पज है उनके जीवन का, क्या लक्ष्य है, किधर जाना है, तो ये ऋषि बताते हैं। इसीलिए ऋषि पहले आते हैं, और ऋषि फिर इस
जो ज्ञान पहले से है, जो कॉस्मस में है, जो अंतरिक्ष में है, उसको अपनी गहनी समाधि में जाके उसे वो सुनते हैं, प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ हरिद्वार में बैठे हैं, हाँ जी, और आपको ऑल इंडिया रेडियो सुनना है, तो आप क्या करेंगी, आप रेडियो में ऑल इंडिया रेडियो का जो फ्रिक्वेंसी है उस पर ले जाएंगी, तो वो फिर ऑल इंडिया रेडियो से जो भी प्रसारण हो रहा है, डिस्कशन या गाना है, जो कुछ भी है, वो आपको है यहाँ पे हरिद्वार में सुनाई देने लगेगा। अंतरिक्ष में है, बस आपके रेडियो का एंटीना उसको पकड़ लेता है। ठीक इसी तरीके से ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में यह वैदिक मंत्र रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ऋषि उसको गहन समाधि में जाके उसको सुन, उसको ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद से उसको इस संसार के समस्त मानव जाति को वितरित करता है अपने शिष्यों के माध्यम से। इसीलिए इसको श्रुति और स्मृति कही गई है। सुना और फिर धारण किया और फिर दे दिया। तो अब जैसे आपने पूछा कि फिर क्यों इसको धारण किया और क्यों लिखा, किस किस उपयोग में है, तो ब्रह्मांड के समस्त क्रियाकलाप को सुचारू रूप से चलाने के लिए यही मंत्र को उपयोग, इसी मंत्र की उपयोगिता होती है। और ऋषि इसको फिर लिखते क्यों है, लिखने की आवश्यकता पड़ गई? लिखा तो तब गया जब कलयुग का आगमन हुआ। जब ऋषियों ने देखा सतयुग, त्रेता और द्वापर तक तो मनुष्य की जो मानसिक क्षमताएं थी बड़ी उन्नत थी, धृति, स्मृति, प्रज्ञा, मेधा, स्मृति, ये सब बड़ी जागृत थी। तो व्यक्ति, इस शिष्य जो है 20,416 मंत्रों, छंदों को अपने अपने गुरु, अपने ऋषि के माध्यम से सुन के उसको ग्रहण कर लेता, याद कर लेता था। लेकिन जब वेद व्यास जी ने देखा कि साहब ये अब मेंटल कैपेसिटी का क्षय होगा, तो फिर उन्होंने कहा कि ये कहीं ज्ञान विलुप्त ना हो जाए, फिर उन्होंने इसको लिपिबद्ध कर दिया। इसीलिए उनको वेद व्यास कहते हैं। व्यास क्या होता है आप जानते हैं, एक सर्किल होती है, सर्किल का जो मिड लाइन होता है उसको व्यास कहते हैं। तो व्यास मतलब एक गोले को समान भाग में डिवाइड कर देता है। तो ज्ञान को समान भागों में, चार भागों में डिवाइड किया वेद व्यास जी ने, तो इसने उनका हम वेद का किया व्यास, तो इसने उनको वेद व्यास कहते हैं। उन्होंने लिखा और आज समस्त संसार के सामने जो विचारों वेद उपलब्ध हैं, तो ये उनका श्रम, उनका पुरुषार्थ वेद व्यास जी का है जो हमारे सामने है। फिर क्या आवश्यकता है इन वैदिक मंत्रों की? समस्त ज्ञान विज्ञान जो भी संसार में व्याप्त है उन वेद के ही माध्यम से है। तो आप पूछेंगे क्यों भाई, ऐसा क्या है? अरे वो जर्मनी वाले, वो यूरोप वाले, वो अमेरिका वाले तो ज्यादा आगे हैं। आप उठा के देखिए 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, ये यूरोप के मैक्स मूलर, तमाम वैज्ञानिक जो हैं, पाश्चात्य जगत के वैज्ञानिक आए, उन्होंने वेदों का भाष्य किया, वेदों को जाना समझा, और फिर उनके यहाँ साइंटिफिक डेवलपमेंट शुरू हुआ। भारत की अगर आप बात करेंगे, तो भारत जब तक यहाँ मुगल नहीं आए थे, तब तक भारत, इंडिया वॉज द लीडिंग कंट्री, द कल्चर, द सोसाइटी इन द फील्ड ऑफ साइंस, इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वट एवर। पूरे विश्व की 30-40% GDP भारत देता था, भारत का रोल हुआ करता था। तीन हमारे यूनिवर्सिटीज थी, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, पूरे विश्व के लोग यहाँ आते थे ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। 17वीं शताब्दी में जब गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से देखा और बोला कि साहब ये पृथ्वी गोल है या सूर्य गोल है या पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा लगाती है, तब तक यूरोपीय लोग नहीं जानते थे कि, तब तक वो यही समझते थे कि जो सूर्य है वो पृथ्वी का चक्कर लगाती है। और हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने, जैमिनी ने, पराशर ने, भृगु ने ज्योतिष 1000 वर्ष पहले की रचना की हुई है। और ज्योतिष में आप 9 ग्रहों की स्थिति क्या है, किस एंगल पे है, किस कोण पे है, उसका पूरा पूरा भौतिक विज्ञान, पूरा मैथमेटिक्स हमारे ऋषि ने दिया हुआ है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखते हैं, सूर्य पृथ्वी की दूरी युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताई मधुर पर जान। युग सहस्त्र योजन, 12,000 का एक वर्ष का एक युग हो गया, योजन युग सहस्त्र, सहस्त्र माने 1000 हो गया, योजन 8 माइल्स होते हैं, एक योजन माने 8 माइल्स होते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना आता है। मैं क्यों ये बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि जहाँ अभी पाश्चात्य सभ्यता अभी विज्ञान को समझती नहीं थी, भारत ने पूरे जगत को, विश्व को दिया है। लेकिन फिर भारत क्यों है थोड़ा पिछड़ गया? सिर्फ इसलिए पिछड़ गया कि हम अपने वैदिक विज्ञान से विमुख होते चले गए, और इन वैदिक मंत्रों में वो समस्त ज्ञान विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आप हम बात करते हैं कि साहब न्यूटन ने जो है वो लॉ ऑफ मोशन दिया, अरे न्यूटन से भी पहले कणाद ऋषि ने लॉ ऑफ मोशन दिया है, कणाद ऋषि ने जो है लॉ ऑफ रिलेटिविटी दिया। कणा उनका नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि कण की खोज की, एटम, अणु, परमाणु, इनकी खोज उन्होंने की है। तो साइंस फुली डेवलप यहाँ था,
बिकॉज ऑफ द वैदिक नॉलेज एंड वैदिक विजडम. और उसमें से मंत्र एक जो है भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब आपका ये प्रश्न था कि मनुष्य के लिए मंत्र क्या उपयोगी है, मनुष्य को क्या मंत्र की आवश्यकता है. तो जैसा मैंने बताया कि सूक्ष्म विज्ञान, प्राण विज्ञान के आधार पर और इनफैक्ट मेडिकल साइंस के आधार पर यदि भी हम देखें, हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूरो ह्यूमरल सेंटर्स हैं. अगर हम प्योरली मेडिकल साइंस की बात करें, क्योंकि मैं एक चिकित्सक हूं तो मैंने पढ़ाई इसी की है, तो जितने भी न्यूरो ह्यूमरल सेंटर्स हैं वो सब गवर्न होते हैं ब्रेन से. ब्रेन इम्पल्स देता है नर्व्स के माध्यम से. और ये ब्रेन जो होते हैं, ब्रेन में जो थॉट प्रोसेस होती है उसको सही दिशा में ले जाने का काम मंत्र करते हैं. इसलिए तो कहा गया मननात त्रायते इति मंत्र है. मन को, मन मने क्या, जो थिंकिंग प्रोसेस है, ब्रेन स्टफ की, ब्रेन की जो एक्शन है, जो क्रिया पद्धति है, जो क्रिया पक्ष है, उसको माइंड कहते हैं, उसको मन कहते हैं. तो मन को गाइड करे, सही दिशा में ले जाए, उसको हम मंत्र बोलते हैं. तो मंत्र का बहुत ही हमारे इलेक्ट्रो ह्यूमरल जितने भी साइनेप्सिस हैं, जितने भी सेंटर्स हैं, उस पर बहुत प्रभाव है. हार्मोनल सिस्टम पे हमारे मंत्र का बहुत प्रभाव है. अब अगर मैं आप अगर रुचि है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. जैसे मान लीजिए कि गायत्री महामंत्र के ही बारे में जो बात की जाती है, गायत्री महामंत्र को वेदों का सिरमौर कहा जाता है. सबसे श्रेष्ठ मंत्र, सबसे पाया, सबसे पावरफुल मंत्र है. और गायत्री मंत्र को इसलिए वेद माता भी कहते हैं, गायत्री को वेद माता भी कहते हैं, क्योंकि इस 24 अक्षर के आधार पर ही बाकी सभी वैदिक छंदों का निर्माण हुआ है. तो ऐसी इसकी फिलॉसफी का एक पक्ष है. लेकिन अब टोटल अगर मेडिकल लाइन की बात करें, मेडिकल फिजियोलॉजिकल बात करें, तो गायत्री मंत्र दिया कब जाता है? तो गायत्री मंत्र दिया जाता है जब व्यक्ति कुमार अवस्था में प्रवेश करता है. इसके तमाम आदेश वेद में, उपनिषदों में, शास्त्रों में दिए गए हैं. जैसा आप अगर रामचरितमानस पढ़ेंगे तो रामचरितमानस का एक दोहा है कि भय कुमार जब ही सब बराता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल सब विद्या आई. तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब चारों भाई राम लक्ष्मण भरत सुधन कुमार की अवस्था में पहुंचते हैं, कुमार की अवस्था में क्या है, प्यूबर्टी पीरियड, 9 to 14 ईयर ऑफ एज, शास्त्र उसी वक्त गायत्री मंत्र देने की आज्ञा देता है. जनेऊ तभी किया जाता है. तो जनेऊ में जब किया जाता है तो उसमें गायत्री मंत्र देते हैं. तो गायत्री मंत्र क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं कि ऋषि जानते. अब ऋषियों ने जिस लॉजिक और जिस कारण से और जो 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 दी है हमें ज्ञान विज्ञान, जो आदेश दिया है, जिस तरीके का जीवन को, उसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है. अब हम अगर जनेऊ की ही बात करें, उपनयन संस्कार जिसको हम कहते हैं, यज्ञोपवीत जिसको कहते हैं, ये कुमार की अवस्था में देना है. तो कुमार की अवस्था में क्यों दिया जाता है? क्योंकि सबको पता है कि इस एज में, 9 to 14 ईयर एज में ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, सेक्स हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं और व्यक्ति में तमाम हार्मोनल चेंजेस आते हैं, थॉट प्रोसेस भी चेंज होता है. तो ये अब उसके बाद से यौन ऊर्जा बनने लगती है. आयुर्वेद कहता है कि जो आप खाते हैं उससे रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेदास्थि होते होते अंतिम जो तत्व बनता है रजोवीर्य बनता है. तो ये जो यौन ऊर्जा जो बन रही है उसको गाइड करने का काम, उसको धारण करने का काम ही गायत्री मंत्र से संभव है. गायत्री मंत्र का एक बार आप सिंपल एक मीनिंग समझा सकते हैं ताकि सब लोगों को समझ आए कि मंत्र का मीनिंग क्या है. एग्जैक्टली. देखिए गायत्री महामंत्र जो है वो गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र है. तो गायत्री महामंत्र का जो भावार्थ है, जो शास्त्रों ने दिया है, जो पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य ने दिया है, युग ऋषि गुरुदेव ने दिया है, उसका अर्थ यह है कि ओम यानी वो परमात्मा, भूर भुवः स्वः, वो परमात्मा कैसा है? तो प्राण भूर मने हो गया, भूर भुवः स्वः, भूर प्राण स्वरूप है वो, भुवः दुखनाशक है और स्वः सुख स्वरूप है. यानी ओम यानी परमात्मा कैसा है? तो प्राण को देने वाला है, दुखों का हरने वाला है और सुख को देने वाला है. फिर आता है तत् सवितुर वरेण्यम. तत् मने क्या? उस जैसा, वह. आज विभिन्न संप्रदायों में झगड़ा किस बात का है? मेरा भगवान ऐसा, मेरे भगवान का नाम ऐसा, तुम्हारा भगवान का नाम ऐसा, मेरा बड़ा तेरा बड़ा, इस बात को लेता है.
को लेके लोग कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र सबका समाधान देता है, कह रहा तत् जैसा है वो वैसा ही तत्। सवितुर वरेण्यम, सवितुर, सवितुर माने मोस्ट इल्यूमिनेंट, मोस्ट ब्राइट लाइक सन, बट सन इज अ रिप्रेजेंटेटिव, सन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सविता। सविता उसको कहते हैं जिससे समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, पर ब्रह्म तेज स्वरूप पर ब्रह्म। सवितुर वरेण्यम, वरेण्यम माने श्रेष्ठ, वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, ईश्वर से ज्यादा श्रेष्ठ कुछ भी नहीं इस दुनिया में। तत्सवित वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, भर्ग बने पाप का नाश करने वाला। आदमी परेशान क्यों होता है? क्योंकि उसके संचित में जो भी पाप कर्म है, उसके कर्म स्वरूप, उसके भोग स्वरूप वो भोगता है, कष्ट पाता है, तो उन पापों का नाश करने वाला गायत्री मंत्र भर्ग है। ईश्वर क्या? भर्ग तेज, पापनाशक है वो। भर्गो देवस्य, देवस्य माने देने वाला, देने वाला, देव देव देवता स्वरूप है वो। देवता किसको कहते हैं? जो देना जानता है, देना जानता, उसको देवता कहते हैं। तो भगवान से सब कुछ तो मिल रहा है हमें, हमें सांस मिल, हमें जीवन मिल रहा है, हमें हमें हवा पानी पृथ्वी आकाश तत्व सब सूर्य की ऊर्जा सब कुछ उसी वजह से तो मिल रहा है, तो दे रहा है वो, देवस्व है। और धीमहि यानी ईश्वर का ये गुण है, इसको हम धारण करें और इसमें हम ईश्वर को स्वयं धारण करें। धीमहि, इसमें भगवान की किसी शक्ति को नहीं मांगा गया है, किसी और विभूति को नहीं मांगा गया। ये नहीं मांगा कि भगवान मुझे पैसे दीजिए, मुझे रुपया दीजिए, मुझे कला दीजिए, मुझे सुंदरता दीजिए, भगवान से मांगा। अरे भगवान आप ही स्वयं आ जाइए। तो धीम ही फिर है, धियो यो न प्रचोदयात, धी मने होगा बुद्धि, यो न हम सबकी प्रचोदयात, प्रचोदयात मने होता है जबरदस्ती बलपूर्वक हमें श्रेष्ठ मार्ग पर, ईश्वरीय मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर, श्रेष्ठ मार्ग पर, आदर्शों के मार्ग पर, ईश्वरीय मार्ग पर, अपने मार्ग पर ईश्वर ले जाए। तो भगवान से प्रार्थना की गई है कि हे भगवान आप हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन में आके हमें आप अपने मार्ग पे ले चले, श्रेष्ठ मार्ग पर ले चले। तो इसीलिए ये मंत्र की फिलॉसफी है, ये मंत्र का भावार्थ है। इन हर अक्षरों पर दैवी शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती लक्ष्मी काली दुर्गा राम कृष्ण सभी जितनी भी जो 24 शक्तियां हैं ब्रह्मांड की, वह इस गायत्री महामंत्र के एक एक अक्षर पर विराजमान है। इसलिए शास्त्र कहता है, आदेश करता है कि गायत्री महामंत्र का यदि व्यक्ति जप करता है तो सभी 24 अवतारों, सभी 24 शक्तियों को, सभी देव शक्तियों को वह नमन नमस्कार प्रणाम और उनका स्मरण कर लेता है। तो जो ये शक्तियां हैं अगर आप इनको एक्सप्लेन करें तो, ताकि एक सरल भाषा में, ताकि सब समझ सके कि ये शक्तियां क्या है। एग्जैक्ट अब देखिए, जैसे मान लीजिए देवता हैं, देव शक्तियां हैं, ये देव शक्तियां क्या है? ये देव शक्तियां वो हैं जो इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए ऊर्जा देती हैं, उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। अब ये ब्रह्मांड है, उत्पत्ति हुई तो कोई क्रिएटर होना चाहिए, उसको हम ब्रह्मा कहते हैं। अब जब ये सृष्टि क्रिएट हो गई तो इसको सस्टेन करना है, इसको ऊर्जा देना है, इसको पोषण करना है, तो पोषण करने का काम भगवान विष्णु करते हैं। अब ये जो सब कुछ बन गया, एक समय आएगा जब ये जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। तो अगर हम यूजलेस को ऐसे ही रहने दें तो फिर तो सड़न पैदा होगी, एक खाओ से एक जो है डिसबैलेंस होगा। तो उसको निर्माण करने का, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम शिव जी का है। इसी तरीके से अब संगठन की शक्ति का काम दुर्गा का है, एकत्व देती है वो। कला की देवी सरस्वती है। वैभव संपदा जो भी हमारे जीवन में जिसको भी जिसकी चीज की भी आवश्यकता है उसको देने की शक्ति, उसको लक्ष्मी कहते हैं। तो इसी तरीके से सभी अन्य अन्य देवी देवताओं का एक गुण है, एक वो शक्ति रिप्रेजेंट करते हैं जो इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए और जो मनुष्य जीवन को, जो प्राणी मात्र को चलाने के लिए आवश्यकता है, उसका प्रतिनिधित्व करके उनको देवी देवता कहते हैं। हम अगर मंत्र जाप करते हैं और रेगुलरली करते हैं तो उससे हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है? लाइक जैसे कोई एक इंसान है और वो बहुत टाइम से गायत्री मंत्र जप रहा है, तो क्या क्या चेंजेस वो अपनी बॉडी में फील करेगा या कैसे ये बेनिफिट करता है? देखिए सबसे पहले तो ये है कि अब इसके इफेक्ट को जानने के लिए इसके 3-4 आयाम है। एक तो जो फिजियोलॉजिकल है, जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, शरीर क्रिया विज्ञान को कैसे प्रभावित करता है, शरीर की क्रियाओं को कैसे प्रभावित करता है, इसका एक्सप्लेनेशन है। दूसरा ये है कि मन की क्रिया पद्धति को कैसे गाइड करता है, इसका अलग है। और चूंकि इससे भी और सूक्ष्म प्राण है, इन सबको गाइड गवर्न करने का काम प्राण करता है। गायत्री जो शब्द है उसका अर्थ ही है, गाय मने होता है प्राण, त्री मने होता है त्राण, यानी जो प्राण का संवर्धन करे, हमारे अंदर प्रचुर मात्रा में दे, उसको हम गायत्री कहते हैं। तो
तो यह गायत्री महामंत्र का जप करने से प्राण मिलता है। प्राण क्या है? एनर्जी। प्राण वो ऊर्जा है जो हमारे शरीर के हर कोशिका के फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए आवश्यक है। लाइफ फोर्स है। लाइफ फोर्स, जीवन ऊर्जा कह सकते हैं प्राण। हाँ जी। तो इसका केंद्र अभी हमारे सौर मंडल में एक ही केंद्र है, वो सूर्य। सूर्य है। तो सूर्य से प्राण का दोहन करने का जो माध्यम वो गायत्री महामंत्र है। अब जब वो प्राण आएगा तो क्या होगा? हमारी हर कैपेसिटी इंक्रीज होगी। पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में एक चित्र बनाया है, एक मानव आकृति है, उस पे बिंदु बने हैं, 24 बिंदु बने हैं। तो इन प्राणों, ये जो बिंदु हैं, ये ग्रंथियां हैं, ये प्राण ग्रंथियां हैं, और इनके एक्टिवेट होने से जब गायत्री महामंत्र का मंत्र का जो शब्द है जब स्फोट करता है, जो प्रभाव करता है, तो वो स्फोटित होते हैं। स्फोटित का मतलब क्या होगा कि वो एक्टिवेट होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। जब वो स्टिमुलेट होते हैं तो 24 प्रकार के विभूतियां हमें देते हैं, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, योग, धैर्य, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, अन्य 24 तरह की प्रतिभाएं, 24 तरह की दैवी शक्तियों से व्यक्ति के अंदर वो आते हैं, व्यक्ति को पूरित करते हैं वो। तो इससे व्यक्ति अपने अंदर अपूर्णता से पूर्णता की तरफ जाता है। अब बात करें हम फिजियोलॉजिकल की, तो फिजियोलॉजिकल में ये आज अति आवश्यक है, क्योंकि आप देखें कि जिस तरीके से सोशल मीडिया का जो यूज हो रहा है, खासकर यूथ, और इतने सारे क्राइम बढ़ रहे हैं, इनफैक्ट तो सेक्सुअल क्राइम बढ़ रहे हैं, इसका भी समाधान गायत्री मंत्र है। यदि भारतीय समाज ऋषियों के दिए हुए इस ज्ञान को यदि सही अर्थों में उचित समय पे अगर प्रयोग करने लगे तो हमारा युवा पीढ़ी भटकेगा नहीं, हमारी युवक युवतियां भटकेंगे नहीं। आप आज देखिए क्या हो रहा है, कहीं 35 टुकड़ों में कोई कटके आती है तो कोई 56 टुकड़ों में फ्रिज में पाई जाती है, और तमाम तरीके की जो यौन अपराध बढ़ रहे हैं, यौन दुष्प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं युवतियों में, युवकों में, युवतियों में। मोबाइल आ गया है, सोशल मीडिया आ गया, मोबाइल के माध्यम से आप एक 2014 में एक वर्ल्ड वाइड एक रिसर्च की गई थी, एक सर्वे कराया गया था, और उसमें पाया गया था कि 18 से 29 साल के बच्चे हर महीने देखा गया कितनी बार पोर्नोग्राफिक साइट पर जाते हैं। 79% बच्चे जो 18 से 29 साल के जिनकी उम्र है, मेल यूथ, वो 79% ऐसे बच्चे हैं, 100 में से 79% लोग जो हैं वो पोर्नोग्राफिक साइट पे जा रहे हैं। और पर वीक देखा गया तो वो थोड़ा घट गया, बट इट कम्स टू 63%। अब इसके ऊपर जब इसका देखा जा रहा है, इसका प्रभाव देखा जा रहा है, तो एक तो जो फिजियोलॉजिकल प्रभाव है कि जो लोग इन चीजों को देखते हैं, असली चीजों को देखते हैं, उनका ब्रेन साइज घटता है। जो ब्रेन में दो मैटर होते हैं, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, वो सिकुड़ता चला जाता है। तो जो मेंटल कैपेसिटी है, मस्तिष्क की जो क्षमता है, वो घटेगी। व्यक्ति की प्रतिभा का विकास नहीं होगा। व्यक्ति अंदर से एकदम निरुत्साही, बिना शरीर तो होगा हाड़ मांस का, लेकिन उसके अंदर कोई प्रतिभा, कोई शक्ति, कोई प्राण नहीं होगा। और तमाम तरीके के यौन विकार, यौन जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, वो इनसे बढ़ रही हैं। तो इसका समाधान क्या है? एक और मैं घटना का जिक्र करूंगा, 2013 में दिल्ली में घटना हुई, निर्भया कांड हुआ, उनको फांसी दे दी गई। हैदराबाद में हुआ कांड, उनको गोली मार दी गई। लेकिन ये तो वो है जो खबर में आते हैं, और आप देखेंगे न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया का, हर जगह कहीं ना कहीं भारतवर्ष में, पूरे विश्व में ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं हमारी माताओं बहनों के प्रति। तो इसका इलाज क्या है, समाधान क्या है? समाधान यही जो ऋषियों ने दिया है, यदि व्यक्ति ब्रह्मचर्य के नियमों को पालन करे, गायत्री मंत्र जपता, तो उसका जो यौन ऊर्जा जो बन रहा है, हम जो भोजन करते हैं, जैसे हमने बताया आपको अंत में, रजोवीर ही बनता है। ये जो ऊर्जा है, आइंस्टीन कहते हैं ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है, न उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। और इस ट्रांसफॉर्म की विधि ऋषियों ने हमें बताई थी कि जनेऊ करो, गायत्री जपो, तो ये होगा। ट्रांसफॉर्म कैसे होगा? ट्रांसफॉर्म, अब बीइंग अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, और दिल्ली में प्रैक्टिस की गंगाराम में, वहां पे भी जब साइकियाट्री डिपार्टमेंट मेरी पोस्टिंग थी, तो ऐसे यूथ बहुत आते थे, उनकी कंप्लेन हुआ करती थी, एक नॉर्मल कंप्लेन है, स्पर्मेटोरिया, इसको मेडिकल टर्म में कहते हैं, और आम बोल चाल की भाषा में स्वप्नदोष कहते हैं, कि एक यूथ है 18-15 वर्ष से लेकर 28 वर्ष की उम्र, ज्यादा फ्रिक्वेंट होता है, वो सोया हुआ है और जो है डिस्चार्ज हो जाता है, सीमेंट डिस्चार्ज हो जाता है उसके अंग से।
तो अब वो आते थे बच्चे मेरे पास, सर कोई टैबलेट दीजिए, कोई इंजेक्शन दीजिए। तो टैबलेट इंजेक्शन दिया सकते हैं, बट इसके बहुत साइड इफेक्ट्स भी हैं और यूजलेस है, मतलब बहुत ज्यादा इनकी उपयोगिता नहीं है इस उम्र पे। तो फिर समाधान क्या है? तो मैंने बच्चों को बोला कि तुम गायत्री मंत्र जपो। तो गायत्री मंत्र जपा, और कितना जपे? तो मैंने बोला भाई 5-10 मिनट से काम नहीं बनेगा, 2-2.5 घंटे जपना पड़ेगा। तो पहले तो अरे इतना मैं कैसे जपू, इतना कहाँ समय है, भाई तो परेशानी बढ़ेगी तुम्हारे। लेकिन बच्चों ने मेरी बात सुनी और जपा 2-2.5 घंटे रोज गायत्री जपे। 2-3 महीने बाद जब वो बच्चे मेरे सामने आते हैं, वो युवा पीढ़ी आती है, जो चेहरे पे प्रकाश रहते हैं, आंखों में ज्योति रहती है, पराक्रम रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है, एक वो युवा जो होता है, वो जो कि निराशा था, निराश था, निरुत्साही था, शरीर में कोई प्राण ऊर्जा नहीं थी, वो प्राण ऊर्जा लेके प्रतिभा संपन्न और चेहरे पे प्रकाश लेके आता है और बहुत धन्यवाद कहता है, बोला सर आपने बिल्कुल सही गाइड किया। तो ये होता है, और ऋषियों ने बताया इसको कि अभी देना है, कुमार की अवस्था में इसको दे देना है। तो आपने पूछा कैसे होता है ट्रांसफॉर्मेशन, तो वही है कि ये चूंकि जो प्राण ऊर्जा, देखिए विचार मन प्राण और जो यौन ऊर्जा रजोवीर, इनका आपस में संबंध है। जब आप मंत्र बोलते हैं तो यह जो ऊर्जा है मूलाधार चक्र में, जो जेनाइटल्स के पास होती है, चक्र है, पहला चक्र कहते हैं, वो एक्टिवेट होती है। वो जब एक्टिवेट हो, सक्रिय होती है, तो उस यौन ऊर्जा को वह प्राण ऊर्जा में कन्वर्ट करके वो स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से इड़ा पिंगला सुषुम्ना जो नाड़ियां हैं, जो कैनाल्स हैं, उनके माध्यम से वो ब्रेन में पहुंच जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक छोटा उदाहरण दूं मैं आपको, मान लीजिए यहाँ पे एक तालाब है, बहुत पानी भरा हुआ है यहाँ पे, और इस तालाब में पानी आता ही जा रहा, आता ही जा रहा है। एक समय आएगा जब ये पानी उसकी बाउंड्री को छोड़कर ओवरफ्लो करेगा और बेकार चला जाएगा। लेकिन इससे 100 मीटर की ऊंचाई पर एक कोई खेत है जहां पानी की कमी है, और आप चाहते हैं, सोच रहे हैं कि अगर ये पानी वहां चला जाए तो खेत अच्छा हो जाएगा, फसलें उगेंगी। तो क्या करता है व्यक्ति? पंप लगाता है, टुल्लू पंप और पाइप लगाता है। तो टुल्लू पंप जो क्या करता है, वो पानी को ऊपर भेज देता है, वो फसल में पानी पहुंच जाती है। तो ठीक इसी तरीके से गायत्री महामंत्र, गायत्री महामंत्र जब व्यक्ति जब जपने लगता है, तो वो एक जैसे डायनामो घूमने लगता है, वो एक पंप की तरीके से काम करता है, और वो इस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करके हमारी प्राण नलिकाओं के माध्यम से, इड़ा पिंगला सुषुम्ना के माध्यम से ब्रेन में उसको पहुंचाता है। जब ब्रेन में पहुंचाता है तो व्यक्ति की प्रतिभा का जागरण होता है, उसकी विचारणाएं शुद्ध होती हैं, उसके अंदर एक स्त्री जाति के प्रति मातृभाव विकसित होता है, पवित्रता का भाव विकसित होता है, और शौर्य, पराक्रम, बुद्धि, मेधा, इन सब का विकास होता है, कैपेसिटी बिल्ड होती है, क्षमताओं का विकास होता है। तो व्यक्ति जो है इस संसार में एक योद्धा की तरीके से जीता है। सारा खेल ऊर्जा के मैनेजमेंट का ही है, और जो गायत्री महामंत्र है वो ये सिखाती है कि हमारे शरीरगत जो जो ऊर्जा बन रही है उसका मैनेजमेंट कैसे करें, उसको हम बेकार न जाने दें, उसको ट्रांसफॉर्म कर ऊपर ले जाए। तो ये इतना बड़ा विज्ञान ऋषियों ने दिया है, जब मैं इसके मेडिकल साइंस को पढ़ता हूँ तो इसके अंदर पूरा का पूरा साइंस ही है। अब जैसे मान लीजिए और डीप में जब जाते हैं, हमारे ब्रेन में 2 तरह की ग्रंथियां हैं, एक पीनियल ग्रंथि है और एक पिट्यूटरी ग्रंथि है। शास्त्रों में पीनियल ग्रंथि को शिव ग्रंथि कहते हैं, और पिट्यूटरी, यहां से 11 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं जो आज्ञा चक्र का के लोकेशन पे है, और उससे 11 हार्मोन निकलते हैं, जिसमें कि एक दो हार्मोन्स हैं जो कि सेक्स हार्मोन्स भी निकलते हैं, जिनको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। अब इसके विज्ञान को आप समझेंगे तो बड़ा, मतलब बड़ा जबरदस्त इसका विज्ञान है। 9 ईयर ऑफ एज तक जो पीनियल ग्रंथि है, जो शिव ग्रंथि कहते हैं, वो सक्रिय रहती है, और उससे मेलाटोनिन निकलता है, वो इन सेक्स हार्मोन को कंट्रोल किए रहता है। और जो ही बच्चा लड़की या लड़का प्यूबर्टी एज में जाता है, पीनियल ग्रंथि, शिव ग्रंथि वो निष्क्रिय होने लगती है, और फिर LHFSH सेक्स हार्मोन वो सिक्रेट होने लगते हैं। अब इसका एनालॉजी समझिए, पुराणों में क्या है, पुराणों में एक कथा है, आपने सुना होगा, देवताओं ने किसी राक्षस का वध करना था तो उसके लिए शिव का पुत्र चाहिए था, तो शिव का पुत्र था नहीं, वो अविवाहित थे, उनकी पत्नी थी नहीं। फिर क्या हुआ कि देवताओं ने रति और कामदेव को भेजा कि जाइए शिव को प्रभावित कीजिए, जिसके अंदर उनके अंदर परिवार और संतान उत्पत्ति की इच्छा हो। तो कामदेव ने बहुत प्रयास किया, नाचा गाया सब कुछ किया, जितना भी वो गाना या एक्शन थे जिससे कि भगवान के अंदर, शिव जी के अंदर काम वासना पैदा हो, प्रयास किया, नहीं हुआ। अंत में उसने बाण छोड़ा शिव जी के जब नेत्र पे लगा, तो शिव जी नेत्र खोलते हैं और कामदेव को वही भस्म कर देते हैं। तो ये एक जो घटना है, ये इसके पीछे ये घटना तो है,
बट इसके ये हमारे जीवन में घटित होता है, हमारे अंदर भी कैपेसिटी, हमारे अंदर शिव है, शिव को हम जागृत करें तो शिव कामदेव को कंट्रोल, हमारी जो अनियंत्रित काम वासना है उसको कंट्रोल कर लेंगे। देखिए काम वासना की उपयोगिता है सृष्टि की उत्पत्ति में, प्रोजेनी में, संसार प्रजा कैसे बढ़ेगी उसकी उपयोगिता है, बट ये अनियंत्रित नहीं होना चाहिए। जब अनियंत्रित होती है तो व्यक्ति को भी नीचे गिराती है, व्यक्ति को भी बर्बाद करती है और समाज को भी बर्बाद करती है। तो इसका नियोजन, उसके लिए शिव जागृत रहने चाहिए। और ऐसा रिसर्च पाया गया है कि जो व्यक्ति जप करने लगता है, जब ध्यान करता है, तो पीनियल ग्रंथि जो 9 वर्ष के आते आते निष्क्रिय हो जाती है वो सक्रिय हो जाती है, उससे मेलाटोनिन हार्मोन निकलने लगता है और फिर वो क्या करता है, वो सेक्स फिजियोलॉजी कंट्रोल करता है। तो फिर ये व्यक्ति जो यौन ऊर्जा है व्यक्ति कंट्रोल में रहती है और हर चीज फिर बड़ा अच्छा होने लगता है और व्यक्ति प्रतिभा संपन्न होने लगता है। तो इसका ज्ञान विज्ञान बहुत बड़ा है, यूज एंडलेस इसका एक्सप्लेनेशन है। अभी तो जो रिसर्चेस हुई हैं वो सब इस तरफ इंगित करती हैं, डीप अगर व्यक्ति को सोना है उसके लिए मेलाटोनिन हार्मोन आवश्यक है, क्योंकि मेलाटोनिन बनाता है सेरोटोनिन और सेरोटोनिन जो इज हैप्पी हार्मोन। तो अगर वो जब सेरोटोनिन कमी होती है तभी व्यक्ति के अंदर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, अनिद्रा की बात होती है। और हमारे पास लोग आते हैं, हम लोग टैबलेट वही देते हैं जिससे कि सेरोटोनिन बढ़े, SSRIs देते हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स देते हैं, जो वो गोली जो कि सेरोटोनिन बढ़ाए। तो अरे मंत्र करो ना, मंत्र करोगे तो अपने आप मेलाटोनिन बढ़ेगा, सेरोटोनिन बढ़ेगा, तो आप खुश रहोगे, नींद अच्छी आएगी और आप जीवन में सफल हो जाओगे। तो बहुत बड़ा इसका विज्ञान है। तो अगर एक कॉमन मैन है तो ऐसे ही मंत्रों को, जैसे गायत्री मंत्र है तो वो ऐसे ही गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर सकता है, मतलब क्योंकि जितना थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है, मैंने सुना है कि गुरु होने जरूरी है और ऐसा कुछ भी होता है शायद। देखिए गायत्री को गुरु मंत्र कहते हैं, मंत्र में जितने ही मंत्र हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ मंत्र है तो गुरु मंत्र, इसीलिए कहते हैं कि इसकी इसकी महत्ता, इसकी इसकी जो विभूतियां हैं, इसकी जो शक्तियां हैं वो गुरु जैसी हैं। गुरु माने क्या, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ गाइड करे, वो ऐसा मंत्र जो गुरु के तरीके से मार्गदर्शन करे। तो अब अगर आप साइकिल पे बैठे हैं और पैंडल को दबाएंगे पैर से तो साइकिल आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। उसी तरीके से यदि आप गायत्री मंत्र जपेंगे तो आपको लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जब आप आध्यात्मिक मार्ग पे जाएंगे, इस गायत्री मंत्र में जब आपको मार्गदर्शन चाहिए होगा या कैसे करें, किस तरीके साधना करें, तो यदि गुरु का मार्गदर्शन मिल जाता है तो और वह यात्रा और ये साधना और ये गायत्री जो है और अधिक फलवती होती है, फल देती है और व्यक्ति जो है ठीक से आगे बढ़ने लगता है, उसकी जो प्रगति होती है वो स्थिरता से आगे बढ़ने लगती है। इसलिए गुरु के मार्गदर्शन में करें, क्योंकि गुरु जानता है कि यह शक्ति है किस तरीके से काम करेगी, किधर जाएगी, क्या क्या बाधाएं आएंगी, उसका निराकरण गुरु ही करता है। तो इसलिए एक अनुभवी मार्गदर्शन होगा तो साधना और अच्छे से चलेगी और ज्यादा फल देगी। तो जैसे गायत्री मंत्र की हम बात कर रहे हैं तो अगर आपको गायत्री माता या गायत्री को एक्सप्लेन करना है तो वो क्या है, मतलब उस पर अगर आप थोड़ा इलैबोरेट कर सकें। देखिए जैसा हमने बताया, एक तो इसका नाम ही बताता है गायत्री, गाय वो जो कि प्राण देता है और प्राण से ही जीवन का निर्माण होता है, प्राण से ही हमारे समस्त शारीरिक हलचल चलते हैं और केवल हमारे ही नहीं पूरा ब्रह्मांड चलता है। तो इसके जप करने से प्राण तत्व की वृद्धि होगी और सभी कुछ इस जीवन के हम हस्तगत करेंगे। और यही नहीं, शास्त्र कहता है, अथर्ववेद का एक मंत्र है कि गायत्री मंत्र क्या क्या देता है। तो गायत्री मंत्र का ये है कि ओम स्तुतामया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमाने द्विजानाम आयु प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा बृहत ब्रह्मलोकम। तो ये जो मंत्र है वो क्या देगा, आयु अच्छा हेल्थ, प्राण प्रजाम परिवार भरा पूरा सब कुछ रहेगा, पशुम पशुम मने कि आपके पास सभी संसाधन होंगे, कीर्तिम सांसारिक कीर्ति मिलेगी आपको, और द्रविणम जो भी आपको इस संसार इस जीवन के जो कुछ भी आवश्यकता है सब मिलेगा, फिर ब्रह्मवर्चस देगी, ब्रह्मवर्चस माने आध्यात्मिक उपलब्धता देगी। और यह सब तो सांसारिक है, शरीर के खत्म होने पर यही खत्म हो जाएगा, लेकिन वो एक और चीज देती है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक माने ईश्वरीय लोक, ईश्वर से सायुज्य सामिप्य सानिध्य सारूप्य ये वो देती है, यानी ईश्वर से आपका ईश्वर से मिलना और ईश्वर जैसे विकसित होना।
तो जिस उतना वो सब कुछ देती जो है। आप ऐसे बोलते हैं कि वो देती है, तो कोई इंसान ऐसे भी सोच सकता है कि मतलब कि दिया जा रहा है? क्या ये ऐसा होता है कि आपके ब्रेन को वो इस तरीके से एक्टिवेट करती है कि आपका फोकस और नॉलेज उन चीजों की ओर ज्यादा जाता है जो आपको ये चीजें प्रोवाइड कर सकती हैं? बिल्कुल, ब्रेन को तो एक्टिवेट करेगा ही करेगा, लेकिन ब्रेन भी तो तभी एक्टिवेट होगा ना जब कोई शक्ति मिले, जब प्राण मिले, तभी तो एक्टिवेट होगा ना। आइंस्टीन के अंदर और हमारे आपके अंदर या एक कोई भी जो व्यक्ति है, हर एक के न्यूरॉन्स तो उतने ही दिए हैं हाँ भगवान ने, जी। जितना हमारे आपके और आइंस्टीन को दिए हैं, लेकिन कोई खास कर जाता है अपने जीवन में और कोई कुछ नहीं कर पाता है। तो उसका कारण यही है कि प्राण तत्व तो उसकी कमी है, और प्राण तत्व तो धारण जब व्यक्ति करता है, देखिए एक नल है, नल खाली है, लेकिन नल को आप टंकी जोड़ दें पानी देने लगता है। पंखा है, पंखा के अंदर बिजली नहीं है तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जहां उसके अंदर बिजली आई तो फिर वो हवा देने लगता है। इसीलिए जो है यह जीवन तो है, मानव जीवन है, शरीर तो है, सब कुछ है, लेकिन इसके अंदर प्रतिभा, इसके अंदर जो योग्यता है, वो क्षमताएं हैं, उनका विकास करने में निश्चित रूप से हमें प्राण की आवश्यकता है, हमें ईश्वरीय सहयोग की आवश्यकता है, हमें ज्ञान की आवश्यकता है, और वह सब कुछ गायत्री देगा। बीज है, बीज के अंदर सब कुछ है ना, बट उसको पल्लवित पुष्पित फलित होने के लिए जो शक्ति चाहिए वही गायत्री। धन्यवाद, आपने हमें काफ़ी कुछ नॉलेज दे दी रिगार्डिंग गायत्री मंत्र एंड मंत्रों की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। आई होप आप सबको भी बहुत नॉलेज मिली होगी इस पॉडकास्ट से। तो आज के लिए धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।